20,000 के अंदर आने वाला एक ऐसा खतरनाक आईफोन जो कि पबजी BGMI में 120 FPS तक का गेमिंग करा के देगा। हबीबी हमें हुद्दू समझ रखा है तूने। अरे हुद्दू नहीं होता हबीबी, बुद्धू होता है बुद्धू। हाँ हाँ वही वही वही। पहली बात, कोई आईफोन तुम्हें 20,000 में दे कौन रहा है, लाइक 20,000 में आईफोन कैसे मिल सकता है? और दूसरी बात, एक 20,000 वाले आईफोन के अंदर 120 FPS कैसे सपोर्ट कर सकता है? तूने हमें पागल समझ रखा है? एग्जैक्टली तुम में से बहुत सारे भाइयों और बहनों के दिमाग में यही चल रहा होगा, भाई क्या ये पॉसिबल है? तो भाई हाँ ये पॉसिबल है। बोलोगे कैसे? तो वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। और देखो बहुत सारे मेरे भाई और बहनों का जो बजट है ना वो 20,000 रहता है, और उसको उनको 20,000 के अंदर ही ना मतलब एक अच्छा आईफोन चाहिए, मांगता है मतलब आईफोन मांगता है अपने को 20,000 के अंदर। एक तो भाई रोल ला जमाना है, दूसरा भाई खतरनाक गेमिंग भी करनी है। तो अगर तुम एक अच्छा फोन ढूंढ रहे हो 20,000 के अंदर, तो भाई ये वीडियो तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, एकदम एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बहुत खतरनाक चीज बताने वाला जो तुमको यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। एंड ऑल्सो कल मेरा बर्थडे था, और बर्थडे के दिन कुछ ऐसा हो गया जो तुम लोग मतलब बिलीव नहीं कर सकते। कुछ अपना खुद का एक सीक्रेट चीज मैं रिवील करने वाला हूँ, और बीच वीडियो के बीच में मैं तुम लोग से कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई बर्थडे के दिन जो कलेश हुआ ना भाई मेरे, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं वो, अगर तुम नहीं देखते हो ना, अगर मेरी जितनी भी नई पुरानी जितनी भी जनता है ना, तुमसे मैं पर्सनली कुछ बात भी करना चाहता हूं, तो प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि कुछ बहुत ही गलत हुआ है मेरे बर्थडे के दिन। तो अब ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। तो और मेरे गेमर्स क्या हाल चाल है यार, अब मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। अब देखो मैं आईफोन की मैं बात करने वाला हूँ वो मैं वीडियो के बीच में कहीं भी बता सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, लेकिन तुम्हें कहीं पे भी बता सकता हूँ कि कौन से आईफोन की मैं बात कर रहा हूँ जो कि इतने कम प्राइस में मिलेगा। खैर बात करें इस आईफोन की स्पेसिफिकेशन की, तो भाई इसके अंदर जो तुम्हें डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.1 इंचेस का HD LCD डिस्प्ले तुम्हें देखने को मिलता है इसमें। एंड अगर बात करें इसके रिफ्रेश रेट की, तो वो तुम्हें देखने को मिलता है 60 हर्ट्ज का। एंड भाई अगर बात करें इसके पीक ब्राइटनेस की, तो वो है भाई 625 का। अब भाई उन्होंने काफी सारे लोग बोलेंगे भाई बहुत ज्यादा कम है, तो भाई तेरे को क्या 20,000 में बंगला चाहिए? सॉरी पर्सनल हो गया मैं। देखो इतने कम प्राइस में ना ऐसे ही थोड़ा तुम्हें मिलेगा, ठीक है, लेकिन फोन बहुत खतरनाक है, स्पेसिफिकेशन से मत जाओ, बहुत खतरनाक गेमिंग करा के देगा। खैर बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो भाई इसके अंदर तुम्हें 3110 mAh का तुम्हें इसके अंदर बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, जो कि कम है, लाइक 3000 बहुत ज्यादा कम होता है, बट आईफोन है भाई, ठीक है। बात करिए अब इसके चार्जर की, तो भाई इसके अंदर तुम्हें भाई 18 वॉट्स का चार्जर देखने को मिलता है, लेकिन तुम इसको लाइक इनबॉक्स तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, तुमको बाहर से जाके खरीदना पड़ेगा, एंड उसका कॉस्ट समथिंग आएगा 2000 के मतलब अलग से, ठीक है, 2000, या फिर तुम ऑनलाइन ले सकते हो या फिर ऑफलाइन ले सकते हो। अब बात करें इस फोन के कैमरा की, तो भाई इसके अंदर तुम्हें भाई 12 मेगापिक्सल का मेन एंड अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, एंड फ्रंट वाला जो कैमरा है वो भी 12 मेगापिक्सल का ही है, सेल्फी वाला। बात करें भाई इसके मेन कैमरा की, वीडियो क्वालिटी कैसे निकाल के देगा, लाइक कैसा क्वालिटी में रिकॉर्ड करेगा, तो इसका जो मेन कैमरा है वो सपोर्ट करता है 4K 60 FPS, एंड जो फ्रंट वाला है वो सपोर्ट करता है 4K 60 FPS। यही तो बात है भाई, आईफोन का ना कैमरा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, लाइक इमेजिन तुम इस फोन से वीडियोस निकाल रहे हो भाई, मजा आ जाएगा भाई, मजा मतलब अलग ही है। देखो आईफोन भले ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन थोड़े बहुत कम होते हैं, लेकिन जो क्वालिटी निकाल के देते हैं भाई कैमरा के मामले में खतरनाक। खैर अब अगर बात करें इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस एंड इंटरनल वगैरह क्या देखने को मिलता है तुम्हें, मतलब क्या प्रोसेसर वगैरह क्या देखने को मिलता है, भाई इसके अंदर तुम्हें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है A13 बायोनिक चिप, जो कि 4nm पे बेस्ड चिपसेट है। अब बात करें इसके एंटूटु स्कोर की, तो भाई वो है ऑलमोस्ट 4,50,000, एंड ये आईफोन का अभी रिसेंटली जो तुम देख जानते होगे कि भाई अभी रिसेंटली इसके अंदर iOS का 17 वाला अपडेट आया है, एंड अभी कल परसों ही शायद इसके अंदर आईफोन का 17.6.1 का अपडेट आया है, जो कि पता नहीं आया है कि नहीं आया, बट हाँ लेटेस्ट वर्जन पे चलता है। एंड अप टू अगर बात करें इसके iOS अपडेट्स की, तो भाई वो 4 to 7 ईयर्स के बीच के आसपास रहता है, इतना ही मिलता है तुम्हें देखने को। अब बात करें भाई इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की, लाइक कितना FPS गेमिंग में निकाल के देगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को एक पर्सनल चीज कहना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो के इंट्रो में कहा था कि मेरा बर्थडे था 7 को, और 7 को मेरे को क्या विशेस आए, लाइक थैंक यू सो मच जितने मेरी ऑडियंस है, लव यू ऑल मेरे भाई और बहनों जिन्होंने मुझे बर्थडे विशेस किया। बट तुम्हें पता है उस दिन क्या हुआ, उस दिन मेरा मूड पूरा धज्जी उड़ गया। देखो मैं अपनी ऑडियंस के साथ हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ, जो मैं हूँ मैं हूँ, मैं एक्ट नहीं करता कि मैं बहुत अच्छा हूँ या बहुत बुरा हूँ, नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम्हें पता है, और अपनी कंडीशंस भी मतलब तुम्हारे सामने खोल के रख देता हूँ कि भाई हाँ देखो ये मेरी हालत है, और उसके बाद तुम लोग का सपोर्ट जो रहता है रहता ही है, ठीक है। तो हुआ क्या कि कल मेरा बर्थडे था, और बर्थडे के दिन मैंने ऐसा खतरनाक वीडियो लाया ना भाई, एक वायरल मिनी कूलर का मैंने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया, और हुआ क्या बताए,
जीरो सपोर्ट उस वीडियो पे, जीरो। लाइक इमेजिन एक ऐसा चैनल जिसपे 18-20,000 व्यूज आ रहे हैं और उसके लेटेस्ट वीडियो में तुम्हें दिखता है कि भाई एक वीडियो पे सिर्फ 500-400 व्यूज है, कैसा लगता है वो देखने में? मैं रात भर सो नहीं पाया, पता है। अब तुम्हें से बहुत सारे लोग बोले भाई सिंपथी कर रहा है, सिंपथी मांग रहा है, नहीं। अब वो उसका रीजन क्या था पता है? उस वीडियो में बनाने में कितना मेहनत लगा था, कितना पैसा खर्च हुआ तुम्हें पता नहीं है? वो खुद में ही वो प्रोडक्ट 2,500 के आसपास का था जब मैंने लिया था और मैंने उस पर पैसे लगाए थे, मेहनत की थी, मेरे पीठ की धज्जियां उड़ गई थी, बर्थडे के दिन भी ढंग से सो नहीं पाया था। आई एक्चुअली एक्सपेक्टेड कि मेरी ऑडियंस एंजॉय करेगी उस वीडियो को, देखेगी, मजे करेगी, बट भाई तुम लोग मुझे पहले खुद बोलते हो कि कुछ खतरनाक लाओ और जब मैं कुछ खतरनाक लाते हो तो देखते नहीं हूँ। मैं यहाँ पे ये सिंपति नहीं कर रहा कि भाई भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके देख लो। नहीं, वैसे भाई मैं दे रहा हूँ, अगर तुम्हें देखना हो तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में बहुत खतरनाक वीडियो है। मैं बस एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज प्लीज मेरी बाकी सब वीडियोस को भी रिस्पॉन्स दिखाओ जो कि पैसा लगा रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ चीजों पे, क्योंकि एट द एंड ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ? ऑब्वियसली तुम लोगों के लिए भाई, ऑब्वियसली आई लव यू ऑल, तुम लोगों के लिए कुछ खतरनाक लाना चाहता हूँ, इसलिए तो अपने पैसे लगा रहा हूँ, इसलिए तो इतनी महंगी महंगी चीजों को, मतलब तुम समझ रहे हो मेरी फीलिंग, मेरे को कितना बुरा लग रहा है। और एग्जैक्ट उस दिन मेरा बर्थडे भी था। किस बात की भाई ब्लू हार्ट गैंग, मुझे समझ नहीं आता तुम लोग इतना कमेंट करते हो भाई, ब्लू ब्लू स्पैम करते हो मेरे कहने पे, मेरे कहने पे कमेंट में ब्लू हार्ट गैंग भी बोलते हो, लिखते भी हो, बट एट द एंड सपोर्ट नहीं करते भाई उन टाइप की वीडियोस पे, मतलब उन वीडियोस को देखते ही नहीं हो भाई। सो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई प्लीज जाके उस वीडियो को देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर मैं डिजर्व करता हूँ, ये सब नहीं कह रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ खतरनाक लाऊं तो प्लीज उनको देखा करो, समझो मेरी चीजों को। मेरे पास बहुत सारी क्रेजी आइडियाज, लेकिन उनके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो तभी हो पाएगा जब तुम उन वीडियोस को देखोगे। सो प्लीज टाइम निकाल कर उस वीडियो को भी जरूर देखना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूँ। खैर, बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया, कुछ ज्यादा ये पार्ट खिंच गया, सॉरी फॉर दैट। अब मैं वापस पॉइंट पर आता हूँ। अब अगर बात करें कितना FPS निकाल के देगा लाइक PUBG BGMI में, तो भाई ये स्मूथ प्लस 60 FPS की गेमिंग करा के देगा। आई नो अब तुम्हें से बहुत सारे बोले भाई 120 FPS की बात हुई थी, सुनो आगे बात करेंगे इसके बारे में। अगर बात करें अब इस आईफोन का नाम क्या है और इस आईफोन का प्राइस क्या है, भाई इस आईफोन का नाम है iPhone 11 एंड इसका प्राइस है, इसका जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस है 4GB RAM 64GB वाला इंटरनल स्टोरेज वाला 20,000 का। अब तुम्हें से बहुत सारे लोग बोलो भाई आईफोन 11 तो बहुत ज़्यादा महंगा है, इतना सस्ते में कैसे मिलेगा? तो भाई देखो रिफर्बिश तुम ले सकते हो, ठीक है, अगर मुझे उसका बेस्ट बैंक लिंक मिला, अगर मुझे लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, मेरे दीवे लिंक से आगे ले लेना तो वो सस्ता पड़ जाएगा। बाकी अगर नहीं मिलता है तो तुम लोग कहीं से भी रिफर्बिश ले सकते हो, लाइक बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी जाकर ले सकते हो। अब तुम लोग बोलो भाई 120 FPS की बात हुई थी, भाई 120 FPS की बात हुई थी आईफोन में, तू ऐसे क्यों कर रहा है भाई? पहली बात तो कम प्राइस में एक आईफोन ढूंढना ही बहुत बड़ी बात है, और देखो 60 FPS जो तुम्हें निकाल के देगा ना वो काफ़ी एक एंड्रॉयड से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस निकाल के देगा आईफोन 11, ठीक है। थोड़ा पुराना हो गया, थोड़ा सा परफॉर्मेंस हल्का फुल्का डाउन हो सकता है, बट स्टिल अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। खैर बात रही 120 FPS की, तो अगर तुम्हारा बजट एग्जैक्ट 20,000 है और 20,000 के अंदर तुम्हें 120 FPS ही चाहिए, लाइक तुम्हें एक आईफोन नहीं चाहिए जो 60 FPS की गेमिंग करा के दे, तुम्हें कोई भी फोन चलेगा लेकिन 120 FPS चाहिए वो भी 20,000 के अंदर में, तो भाई मैंने टॉप 3 ऐसे खतरनाक गेमिंग फोन्स बताए जो कि सच में 120 FPS की गेमिंग करा के देते हैं। तो तुम्हें वो वीडियो जरूर देखना चाहिए जिसका लिंक एकदम ही सामने आ रहा है, क्लिक करो और अभी देखो।